नमस्कार, डबल इन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं वीरेंद्र देवगौर आज अपने आर्यवर्त की प्रजा से डबल इन के माध्यम से कुछ बोलना चाहूंगा। मैं आप लोगों को जैसा मालूम है कि कलर्स चैनल पर बिग बॉस रियलिटी शो 14 सीजन आने वाला है, यानी कि बिग बॉस रियलिटी शो सीजन 14। दोस्तों, आप लोगों से एक बात शेयर मैं करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं भी बिग बॉस रियलिटी शो का बहुत बड़ा फैन हूँ और पिछले 4-5 साल से मैं ट्राई भी करता आया हूँ। लेकिन देख, बात ध्यान देने वाली ये है कि बिग बॉस रियलिटी शो के अंदर अक्सर वेस्टर्न कल्चर दिखाया जाता है, जो हमारे आने वाले बच्चों पर एक गलत प्रभाव डालता है। जितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, प्लीज़ डबल इन के ऊपर कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो स्पष्टीकरण कर सकूँ आपके साथ, वो आपको एक्चुअलिटी दिखा सकूँ। क्योंकि अक्सर बिग बॉस रियलिटी के अंदर, यानी कि बिग बॉस रियलिटी शो के अंदर जो कलर्स चैनल पर आता है, कभी हमारे हिंदू राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, उसके कल्चर को नहीं दिखाया जाता। कभी भी नहीं दिखाया जाता कि किसान किस तरह काम करता है, कितनी मेहनत करता है, किस तरह वो अन्न उगाता है और किस तरह वो लोगों के बीच अन्न बेचता है, यानी कि वो हमारे अन्नदाता जो हैं। कभी भी हमारी संस्कृति को नहीं दिखाया जाता कि भारत के अंदर किस तरह की संस्कृति है। जो हमारी न्यू जनरेशन है, इन लोगों को, इन बच्चों को ये नहीं मालूम कि एक्चुअल में हमारे देश के अंदर किसने क्या किया। अगर बिग बॉस रियलिटी शो वाकई कोई अच्छा शो है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें और बिग बॉस रियलिटी शो जैसे लाइव टेलीकास्ट को आप अवॉइड करें, क्योंकि इसके अंदर टोटल ही बच्चों को बिगाड़ने की और वेस्टर्न कल्चर को दिखाने की कोशिश की जाती है और हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति कल्चर को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाती है। मेरी डबल ए न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनना। अच्छा लगे तो डबल ए न्यूज़ पर कमेंट भी देना और अपनी राय भी देना कि आप लोग क्या चाहते हो। क्या वाकई बिग बॉस रियलिटी शो आपकी नज़र में बहुत अच्छा शो है? अगर मैं बिग बॉस रियलिटी शो 14 ज्वाइन करता हूँ, तो मैं अपने हिंदू राष्ट्र की संस्कृति और कल्चर को उसके अंदर 101% आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा। और इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूँगा, आप लोगों से विदा चाहूँगा। डबल ए न्यूज़ पर मैं जय।